नमस्कार, स्वागत है आपको आपके ही YouTube चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। जैसे कि दोस्तों आपको बताया हम लोगों ने कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने जितने भी सपोर्ट किए हम लोग के चैनल को, उसमें से हम लोगों को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, एंड थैंक यू सो मच। एंड और हम लोग जो है ये भी सोच रहे हैं दोस्तों कि हम लोग जो है अपने YouTube चैनल का लोगो जो है चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम लोग ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास कोई भी लोगो है ऐसा अच्छा जो रख सकते हैं यूट्यूब पे, तो आप जो है कृपया कमेंट्स पे बता दीजिए, और या तो हम लोग जो है वो लोगो यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एंड आज जो हम लोग स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रिलायंस कैपिटल। थोड़ा जो है आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में भी, तो पूरा वीडियो ऊपर बने रही दोस्तों, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। जो नया सोच रहे रिलायंस कैपिटल पर स्टॉक खरीदने का बाई करने का, उसके लिए भी जो है न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। रिलायंस कैपिटल में दोस्तों अगर आप जैसे कि ऑलरेडी अगर आप फ्रेश बायर है तो आपको पता रहेगा कि 2,500 का स्टॉक था। जो ऑलरेडी इसमें स्टॉक लेके बैठे हैं लॉस में, उन लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और रिलायंस कैपिटल में जैसे कि आपको पता है, अगर आप एक महीने का ग्राफ देखते हैं दोस्तों रिलायंस कैपिटल में, तो आपको किधर भी ऐसा मतलब लॉस में नहीं दिखेगा। जिसने जितने भी दिन उसने जो है डाउन हुआ है स्टॉक, फिर से उसने अप ट्रेंड में मूव हो गया। तो रिलायंस कैपिटल में जैसे कि HDFC ने करीबन 6.43% स्टेक ले लिया है, और रिलायंस कैपिटल नहीं दोस्तों, रिलायंस कैपिटल का कोई भी जो सब्सिडरी है जैसे कि अपना ADG ग्रुप का कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, रिलायंस पावर, रिलायंस पावर इंफ्रा, ये सब जो है अच्छा खासा जो है आप देखेंगे कुछ दिन से अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है। तो रिलायंस कैपिटल में या फिर ADG ग्रुप में ऐसा क्या हुआ कि जो है सब जितने भी स्टॉक है ADG ग्रुप के साथ इतने भागने शुरू कर दिए रिलायंस के साथ? तो अगर आप इसका रिसर्च करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ऐसा कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। रिलायंस नेबल का तो सोच सकते हैं दोस्तों कि रिलायंस नेबल जो है बेचने का प्रक्रिया चल रहा है, बट रिलायंस कैपिटल में क्या हुआ है? रिलायंस पावर का तो ठीक है, उनको भी एक जो है पैसा मिलने वाला है, जो इन लोगों ने केस जीता है उस केस जीतने के बाद उन लोगों को कुछ पैसा मिलने वाला है। रिलायंस कैपिटल में क्या हुआ है कि इनको जो है इतना अच्छा खासा जो है आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है स्टॉक। तो रिलायंस कैपिटल के बारे में थोड़ा ऐसा ढूंढने की हम लोगों ने कोशिश किया दोस्तों। मार्केट सेंटीमेंट भी बोलते हैं वेरी बुलिश, अगर टेक्निकल चार्ट देखते हैं आप तो मार्केट सेंटीमेंट में ज़्यादातर लोग जो है इसको खरीदने के लिए राय दे रहे हैं। तो ऐसा शायद से कुछ हो सकता है, हम लोग को पता नहीं कि रिलायंस कैपिटल में भी शायद दूसरा कोई इन्वेस्टर आ सकते हैं, या फिर एक कंपनी दूसरे किसी को शायद बेचने के लिए चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी जो है पुख्ता न्यूज़ नहीं है दोस्तों, तो हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और ये बताने का रीज़न यही है दोस्तों कि रिलायंस कैपिटल में अचानक जो है आपको अभी दिखाएंगे आगे जो है एक दिन का भी आप ग्राफ देखते हैं जो अपर सर्किट लग रहा है, तो कंटिन्यूस रिलायंस कैपिटल जो अपर सर्किट में ट्रेड हो रहा है। और जो ये रिलायंस कैपिटल का भी देखेंगे तो 8.85 जो है इसने आज ट्रेड किया है, और 0.40 रुपये का इसने प्रॉफिट दिया। अगर आप परसेंटेज के साथ देखिए तो बहुत ही बढ़िया परसेंटेज है, 4.73। इतना एक छोटा सा स्टॉक में अगर आप 4.73 का देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो अगर आप कुछ दिन पहले का वीडियो देखेंगे वहाँ पे हम लोगों ने बताया था जो है अगर आपको स्टॉक लेना है तो 8.5-9 रुपये का तक आप ले सकते हैं, आपको उतना मिल जाएगा। सो 8.5 रुपये का जो हम लोगों ने इसमें आपको लेवल दिया था दोस्तों वो क्रॉस हो चुका है। आप हम लोग का कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट प्राइस दिया था, वो टारगेट प्राइस जो है कोई भी वीडियो का आप देखेंगे वो कंप्लीट हुआ है दोस्तों। तो रिलायंस कैपिटल में अगर आप फ्रेश बाय करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग की ओर से ऐसा कुछ सजेशन नहीं रहेगा रिलायंस कैपिटल में फ्रेश बाय करने का। अगर आप सोच रहे हैं कम पैसे का स्टॉक है तो आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको मुनाफा मिल जाएगा इसमें। और रिलायंस कैपिटल में ऐसा कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या फिर ऐसा मतलब कोई ये स्टॉक में दूसरा कोई किसी का मतलब खरीदारी हो रहा है, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है मार्केट पे। ADG ग्रुप में अगर आप देखेंगे कोई भी स्टॉक आप उठा के अभी देख लीजिए दोस्तों, सब में जो है अच्छा खासा जो है ट्रेड हो रहा है और अप ट्रेंड में चल रहा है। हो सकता है ऐसा कुछ न्यूज़ रहेगा दोस्तों जो अभी तक जो है मार्केट पे नहीं आया है। तो रिलायंस कैपिटल का आज का अगर देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो 8.75 रुपीज़ में रिलायंस कैपिटल जो है ओपन हुआ था, उसके बाद हाई इसने मारा 8.85। तो रिलायंस कैपिटल उसे आपसे जो है एक बढ़िया इसने डील मारा है। प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 8.45 का प्रीवियस क्लोज था, और 52 वीक का हाई देखेंगे तो 98.75 जो है 52 वीक का इसका हाई था, और 52 वीक का लो देखेंगे दोस्तों तो करीबन 3.70 है। तो 52 वीक का लो जो है इसने तो रिलायंस कैपिटल ने जो है 52 वीक का लो ब्रेक करके आगे आ गए हैं। तो अभी ऐसा ग्राफ में देख के तो लग नहीं रहा है कि ये 52 वीक का जो हाई भी एक बार जो है क्रॉस कर देगा, बट अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं तो दोस्तों शायद से हो सकता है आपको करीबन 12 से 13 रुपया इसमें मिल जाए।
तो बट ये जो है एक रिस्की ट्रेड रहेगा आपके लिए, क्योंकि रिलायंस कैपिटल में ऐसा कुछ भी अभी नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है दिखने को। तो अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट दिखने को आता है तो ज़रूर आपको ये मुनाफा दे सकते हैं। और एक चीज़ तो बताना चाहिए कि अगर आपने ऑलरेडी रिलायंस कैपिटल लेके रखे दोस्तों, तो आपको एवरेज करने का एक बार पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि एवरेज करने में क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर आप कोई भी स्टॉक लेके रखते हैं और उसमें आप लॉस में हैं तो एवरेज करने के लिए बहुत जन सोचते हैं, बट एवरेज तभी करना चाहिए जब आपको 100% पता होता है कि वो स्टॉक जो है आगे थोड़ा बढ़ने वाला है, जो आपको एवरेज प्राइस है वो मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एवरेज करने के चक्कर में हो सकता है कि आप उसमें पैसा डालते जा रहे हो दोस्तों, और वो एवरेज अगर प्राइस नहीं होता है तो आपका उसमें और पैसा फंसा होता है। तो उसी हिसाब से अगर आप एवरेज करना चाहेंगे तो वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों उसके ऊपर कि उतना प्राइस जाएगा क्या, कितने में आप एवरेज करें, कितने में आपने स्टॉक लिया है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। क्योंकि रिलायंस कैपिटल जो है आज के डेट में आपको पता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो ट्रेड किया है रिलायंस कैपिटल पर, उन लोग का पैसा अटका हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो रिलायंस कैपिटल या फिर एडीजे के ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो स्टॉक है उन लोगों में उन लोगों के पास वो पैसे अटके हुए हैं। जो रिलायंस कैपिटल का आप देखेंगे तो करीबन जो है 1 महीने में इसने जो है अच्छा खासा जो है अप ट्रेंड में ट्रेड किया है, बट अभी ऐसा कुछ भी न्यूज़ जो है नहीं है कि रिलायंस कैपिटल और आगे कितना प्राइस तक जाएगा। बट अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो हो सकता है करीबन जो है आपको 2 से 3 रुपये और मुनाफा मिल जाए दोस्तों। तो वीडियो पे आप बनाने का जो है हम लोग का उद्देश्य यही था कि अगर आप फ्रेश बायर है तो फिलहाल जो इससे दूर रहे, रिस्क ट्रेड करना है तो आपकी मर्ज़ी दोस्तों। अगर आपको रिस्क ट्रेड नहीं करना है तो जो है इस स्टॉक स्टॉक से दूर रहने का ही सलाह रहेगा। अगर आप एवरेज करना है तो आप अगर 100% श्योर है ये आपको प्राइस देगा उतना, तो ही दोस्तों आप इसमें एवरेज कीजिए। कुछ अगर इस रिलायंस कैपिटल के बारे में दोस्तों न्यूज़ आता है तो ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे आपको वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन देने का। हम लोग रिलायंस कैपिटल के बारे में और एडीजे ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। अगर आता है न्यूज़ तो आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा दोस्तों तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।